अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। और सॉरी, मैं इतने टाइम से कुछ व्लॉगिंग नहीं करती थी बिकॉज़ आई वाज वेरी बिजी लेटली। एंड जैसे कि आप लोगों को वीडियो से देख के पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ बिजी थी, मेरी इंगेजमेंट थी, देन निकाह था। तो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हुई हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं टाइमली उसको अपलोड कर पाऊँ, व्लॉग बना पाऊँ। एडिट का बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था। अब बट इंशाल्लाह से जो है वो व्लॉग्स टाइम पर आएंगे एंड बहुत चेंजेस दिखेंगे आप लोगों को व्लॉग्स में। बिकॉज़ पहले के जो व्लॉग्स थे उसमें मैं अपने घर पे होती थी एंड अम्मी अब्बू हम लोग जा रहे होते थे, भाई भाभी। बट अब आप लोगों को एक नया बंदा मेरे व्लॉग्स में दिखेगा, होपफुली मेरा हस्बैंड। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये मेरी इंगेजमेंट की तैयारी हो रही है। हमने भाभी के घर इंगेजमेंट की थी और ये सारा सेटअप हो रहा था। दोपहर का टाइम था, 7 बजे का टाइम था इंगेजमेंट का एंड ये सेटअप हो रहा था दोपहर में। एंड मैंने वहीं पे जाके मैं तैयार वैयार हुई थी। तो वीडियोस में आपको दिखता रहेगा क्लिप्स में किस तरह से क्या कुछ हुआ है, नाश्ता किया है एंड देन ये सारा सेटअप था। सो दिस वाज द फाइनल लुक ऑफ द सेटअप, इस तरह का कुछ डेकोर हुआ था। ओके, सो आई एम रेडी। अब मुझे सिर्फ अपना ड्रेस चेंज करना है, मेकअप हो चुका है, बाल बन चुके हैं, बस मुझे लेंसेज लगाने। मैंने लेंसेज नहीं लगाए थे और मैं ग्लासेस अभी वेयर नहीं कर रही क्योंकि फिर थोड़ा सा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो बस लेंसेज मैं घर भूल गई थी तो मैंने भाई से कहा है ही विल ब्रिंग दैट लेंसेज, और जब तक कपड़े चेंज करने हैं एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। तो अभी फुल लुक दिखाऊंगी जब मैं कपड़े चेंज कर लूंगी। ओके, सो टर्की में यही रिवाज होता है कि इंगेजमेंट के टाइम पे लड़की दरवाज़ा ओपन करती है और सारे गेस्ट को वेलकम करती है, और जितने भी लड़की की तरफ से गेस्ट होते हैं वो सारे एक एक करके एंटर होते हैं। लड़की सबसे ग्रीट करती है, मिलती है, हाथ चूमती है बड़ों के एंड लड़का उसको फ्लावर्स देता है। Ya Rabbi, bu din cemiyetimizi hayırlara vesile eyle. Amin. Bunlardan hayırlı nesiller iftihar eyle ya Rabbi. Amin. Bunları mutlu ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Amin. Tamamına erdir ya Rabbi. Amin. Her zamanda biz bunları utandırma ya Rabbi. Amin. Esselatü ve selamü aleyke Resulullah. Esselatü ve selamü aleyke Habiballah. Amin. Esselatü ve selamü aleyke seyyiden evveline vel ahirin. Amin. Elhamdülillah Rabbil alemin. İlahi şerefine bir yasrafının muhaşayetini anlayalım. Allah rızasını dualarımızı kabul etsin. El Fatiha. Amin. Amin. फिर होता है टर्किश कॉफ़ी वाली, इनकी एक रस्म होती है जिसमें लड़की जो है वो कॉफ़ी में नमक मिलाती है। इसकी एक बैक हिस्ट्री है जो कि अब उस तरह से फॉलो नहीं की जा रही होती। पहले का ये सीन होता था कि अगर लड़की को लड़का नहीं पसंद हो रहा तो वो मिलाती थी कॉफ़ी में नमक, बट अब जो है वो जस्ट फॉर फन वो करती है। बट मैंने अपनी हस्बैंड की कॉफ़ी में नमक नहीं मिलाया था, बट मेरी भाभी ने पानी में नमक मिलाया था। तो कॉफ़ी और पानी होता है इस तरह से, पहले कॉफ़ी पीते हैं एंड देन वो पानी पीते हैं। तो ये वाली रस्म थी। स्विच yok yok yiyemedi.
एवरीथिंग इज़ डन, इंगेजमेंट हो चुकी है माशाल्लाह से। ये रही मेरी रिंग और मैं बहुत थक गई हूँ अभी, और अभी हम भाभी के घर पर ही हैं। डिटेल्स मैंने नहीं दी थी, शायद मैं वॉइस ओवर लगा दूँ उसमें मैं बताती रहूँ, बट राइट नाउ आई एम वेरी वेरी टायर्ड एंड अभी बस चेंज करूँगी एंड देन घर जाएंगे एंड इंशाल्लाह ये व्लॉग टाइम पर आ जाएगा, बट मुझे नहीं पता कब मुझे टाइम मिलेगा इसको एडिट करने का, क्योंकि आज सैटरडे है, संडे मंडे को निकाह है इंशाल्लाह, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं एंड बस यही अपडेट थी। और फिर इंशाल्लाह अब मैं व्लॉग्स अपने बनाती रहूँगी, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि व्लॉग्स बनते रहेंगे। अब मेरी और मज़ीद बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, बिकॉज़ आई एम सो टायर्ड एंड आई जस्ट वांट टू स्लीप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।